हेलो स्टूडेंट्स, आरजे स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताने की जा रहा हूँ, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि बंदरगाह, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, सीपैट एंट्रेंस एग्जाम, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, टीटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि साइंस, जनरल साइंस और केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं केमिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का प्रतीक है, नाइट्रोजन का प्रतीक एन होता है, तो ऑप्शन डी सही है, कैपिटल एन नाइट्रोजन का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से सोडियम का प्रतीक है, सोडियम का प्रतीक जो है ये Na होता है, सोडियम का प्रतीक Na, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवोगाद्रो स्थिरांक का मान है, अवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 × 10²³, 6.022 × 10³ अवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है। क्वेश्चन नंबर चार है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है 16.623 × 10²³ ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, सही उत्तर है 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है ये 1:8 होता है। क्वेश्चन नंबर छह है, अमोनिया का मोलर द्रव्यमान होगा, सही उत्तर है 17 ग्राम। क्वेश्चन नंबर सात है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा, सही उत्तर है KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, सही उत्तर है CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज C6H12O6 का संभावित मूलानुपाती सूत्र हो सकता है, सही उत्तर है CH2O। ग्लूकोज C6H12O6 का संभावित मूलानुपाती सूत्र CH2O हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन के ऑक्साइड में यदि आयरन 69.9% तथा ऑक्सीजन O2 30.1% भारानुसार हो तो आयरन ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र होगा, परमाणु भार आयरन का होता है 55.85, ऑक्सीजन का 16, तो सही उत्तर है Fe2O3। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र बताना है तो वो होगा Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ग्लूकोज में हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, सही उत्तर है 2:1। ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ग्लूकोज में हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3OH का अणुभार होता है, सही उत्तर है 32U। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन आयनों पर ऋण आवेश होता है वे, सही उत्तर है अम्लीय मूलक होते हैं, जिन आयनों पर ऋण आवेश होता है वे अम्लीय मूलक होते हैं। क्वेश्चन 15 है, 0°C ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल गैस का आयतन होता है, सही उत्तर है 22.4 लीटर। 0°C ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन 16 है, क्षारीय मूलक होते हैं, सही उत्तर है धनावेशित आयन, क्षारीय मूलक धनावेशित आयन होते हैं। क्वेश्चन 17 है, सोडियम क्लोराइड NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है, सही उत्तर है 58.58। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया NH3 का अणुभार होगा, सही उत्तर है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, सही उत्तर है NH4 2SO4। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेंजीन के मूलानुपाती सूत्र के अनुसार बेंजीन में कार्बन कॉमा हाइड्रोजन का अनुपात होता है, सही उत्तर है 1:1। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, सही उत्तर है NaNO3। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिनमें गलत वाक्य है, ए 1 मोल में 6.023 × 10²³ कण होते हैं, बी 1 अणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, सी किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, डी अणुभार को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं,
तो यहाँ पे जो गलत वाक्य है वो बी वाला है, एक अणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ये वाक्य गलत है। और जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, एक मोल में 6.023 × 10²³ कण होते हैं, ये कथन सही है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, ये कथन सही है। अणुभार को जब ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ये कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नंबर 23 क्वेश्चन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु उपस्थित होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु उपस्थित है? सही उत्तर है 3.01 × 10²³। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल के एक अणु का भार है, सही उत्तर है 3 × 10²⁻²⁶ किलोग्राम। जल के एक अणु का भार 3 × 10²⁻²⁶ किलोग्राम है। क्वेश्चन 25 है, यौगिक C60H122 के एक अणु का भार है, सही उत्तर है 1.4 × 10²⁻²⁰ ग्राम। क्वेश्चन 26 है, कार्बन के 120 U में कार्बन के कितने अणु परमाणु होंगे? कार्बन का परमाणु भार 12 है, सही उत्तर है 10। क्वेश्चन 27 है, 620 ग्राम सोडियम ऑक्साइड में मोलों की संख्या है, सही उत्तर है 10 मोल। क्वेश्चन नंबर 28 है, अवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है। ऑप्शन ए सामान्य ताप दाब पर 22.4 लीटर गैस में, बी किसी पदार्थ के एक मोल में, सी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में, डी इन सभी में। सही उत्तर है इन सभी में, अवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है सामान्य ताप व दाब पर 22.4 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के एक मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में। सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें है? ऑप्शन ए है NH4Cl का 1 मोल, बी 2MnH3 का 500 मिलीलीटर, सी NO2 के 6.02 × 10²³ अणु, डी सामान्य ताप पर दाब पर NTP पर 22.4 लीटर N2 गैस। सही उत्तर है डी, नाइट्रोजन परमाणु की सबसे जो अधिक संख्या होगी वो सामान्य ताप व दाब पर NTP पर 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1.12 लीटर नाइट्रोजन का सामान्य ताप व दाब पर लगभग द्रव्यमान है, सही उत्तर है 1.4 ग्राम। क्वेश्चन 31 है, अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन ए सामान्य ताप व दाब पर 15 लीटर हाइड्रोजन गैस में, बी सामान्य ताप व दाब पर 5 लीटर नाइट्रोजन गैस में, सी 10.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस में, डी 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस में। सही उत्तर है 10.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस में। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें है? ऑप्शन ए 44 ग्राम CO2 में, ऑप्शन बी 48 ग्राम O3 में, ऑप्शन सी 8 ग्राम H2 में, ऑप्शन डी 64 ग्राम SO2 में। सही उत्तर है 8 ग्राम H2 8 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में NTP पर N2 के 14 ग्राम तथा H2 के 3 ग्राम प्रयुक्त किए जाएं तो प्राप्त NH3 की मात्रा होगी। यहाँ पे समीकरण दे रखा है N2 नाइट्रोजन ग्राम में प्लस 3H2 ग्राम में 2NH3 ग्राम में NTP पर, तो ऑप्शन ए है 22.4 लीटर, बी 17 ग्राम, सी 1 मोल और डी ए बी सी तीनों समान एवं सही है, तो ए बी सी तीनों समान एवं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए 22 ग्राम CO3 में, ऑप्शन बी 48 ग्राम O3, ऑप्शन डी सी 8 ग्राम H2, ऑप्शन डी 32 ग्राम O2। सही उत्तर है 8 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट CO2 तथा जल में अपघटित होता है। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के 0.2 मोल पूर्णतः अपघटित हों तो सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल प्राप्त होंगे? सही उत्तर है 0.1। सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट के 0.2 मोल पूर्णतः अपघटित हों तो सोडियम कार्बोनेट के 0.1 मोल प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम फॉस्फेट NH4 3PO4 का एक नमूना जिसमें 6.36 मोल के हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, नमूने प्रतिरूप में ऑक्सीजन परमाणुओं के मोलों की संख्या है
नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14.04, हाइड्रोजन बराबर 1, पोटेशियम का 31, फास्फोरस 31 है और ऑक्सीजन 16, तो सही उत्तर है इसका 2.14 मोल। क्वेश्चन 37 है, एसटीपी पर दी गई गैस का आयतन कितना होगा यदि मोलों की संख्या एन है एवं गैस का आयतन वी है। सही उत्तर है वी बराबर एन इंटू 22.4 लीटर। क्वेश्चन 38 है, 92 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या है। सही उत्तर है 4। तो यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित, और यहाँ पे मैं आपको अब टॉपिक की भी जानकारी दे देता हूँ। रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र फॉर्मूला फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, तत्वों के प्रत्येकों का वह समूह जो किसी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है उस यौगिक का रासायनिक सूत्र कहलाता है। इस सूत्र में यौगिकों के तत्वों को उनके संख्यात्मक मान के साथ दर्शाया जाता है। यह मान यौगिक में उस तत्व की संख्या को दर्शाता है। जैसे अमोनिया यौगिक का आणविक सूत्र NH3 है, अतः अमोनिया में नाइट्रोजन का एक परमाणु व हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। रासायनिक पदार्थों के समान मूलकों, रेडिकल्स, आयनों एवं तत्वों को भी प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अमोनियम मूलक NH4+, हाइड्रोजन आयन H+, हीलियम तत्व HE आदि। रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती या सरलतम सूत्र, एम्पीरिकल फॉर्मूला, वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक अथवा मूलक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात या परमाणुओं की अपेक्षित संख्या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का ज्ञान होता है, मूलानुपाती या सरलतम सूत्र कहलाता है। उदाहरण, एथेन का सरलतम सूत्र CH3 है जो यह दर्शाता है कि एथेन में कार्बन तथा हाइड्रोजन अनुपात 1:3 के अनुपात में उपस्थित है। इसी प्रकार ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O है जो यह दर्शाता है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 है। इसके बाद है आणविक सूत्र या अणुसूत्र क्या होते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला, वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के एक अणु अथवा एक मोल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का ज्ञान होता है, अणुसूत्र कहलाता है। उदाहरण, बेंजीन C6H6, इस सूत्र से ज्ञात होता है कि बेंजीन के एक अणु में कार्बन तथा हाइड्रोजन प्रत्येक के 6 परमाणु उपस्थित हैं। नेक्स्ट है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वह सूत्र जो अणुसूत्र में स्थित तत्वों के परमाणुओं के परस्पर आबंध को स्पष्ट करता है, अर्थात अणु में स्थित परमाणुओं की व्यवस्था को स्पष्ट करता है, संरचना सूत्र कहलाता है। संरचना सूत्र यौगिकों के गुणों के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे अणुसूत्र C2H6O की गुणों के आधार पर निम्न 2 संरचनाएं संभव हैं, तो यहाँ पे दिखा रखा है C2H6O, इसको इस प्रकार दिखाएंगे C2H6O, यहाँ पे कार्बन के 2 अणु है और हाइड्रोजन के 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑक्सीजन के 1 है, तो इसको इस प्रकार से दिखाएंगे CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल बन जाएगा ये, और या इस प्रकार दिखा सकते हैं कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन का 1 है, तो CH3O CH3 ये बन जाएगा डाई मेथिल ईथर। अब है सहसंयोजी यौगिकों के आणविक द्रव्यमान अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान जिसे परमाणु इकाई यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, अमोनिया का अणुभार नाइट्रोजन का अणुभार प्लस 3 गुणा के हाइड्रोजन का परमाणु भार। आयनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान, एम्पेरिकल फॉर्मूला इन यूनिट फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र संभव नहीं है क्योंकि ठोस आयनिक यौगिक में अणु नहीं होते बल्कि उसके घटक आयन होते हैं।
ठोस सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl अथवा Na प्लस Cl माइनस होता है, यह उसका मूलानुपाती सूत्र है। विभिन्न आयनिक यौगिकों के इन सूत्रों द्वारा भार ज्ञात किए जा सकते हैं। यह भार एक अणु का भार नहीं होता, इसे हम आयनिक यौगिक का सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। उदाहरण, क्लोरीन का परमाणु भार 35.54 यूनिट है और सोडियम का परमाणु भार 23.04 यू है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान 35.54 प्लस 23.04 बराबर 58.58 यूनिट होगा। अब है बहु परमाणु आयन एवं बहु परमाणु आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। मल्टी स्टैंडर्ड आयन और केमिकल फॉर्मूला ऑफ मल्टी स्टैंडर्ड आयनिक कंपाउंड्स। आयन, आयन क्या होता है? धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों के से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन आवेशित कण होते हैं तथा इन पर ऋण अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित कण को ऋणायन तथा धन आवेशित कण को धनायन, ऋणावेशित कण को ऋणायन, एनियन तथा धनावेशित कण को धनायन, कैसन कैटन कहते हैं। परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? केमिकल फॉर्मूला, किसी तत्व की संयोजक संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले धनायन का संकेत H प्लस लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड Cl माइनस लिखते हैं, तत्पश्चात इसके इनके आवेशों को आड़ा तिरछा करके सूत्र प्राप्त करते हैं। तत्व प्रतीक संयोजकता, तत्व प्रतीक में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, संयोजकता 1 और 1 है, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl है। कार्बन टेट्रोक्लोराइड का सूत्र, तत्व प्रतीक C और Cl है, संयोजकता Cl की 4 है, कार्बन की 1 है, अतः कार्बन टेट्रोक्लोराइड का सूत्र CCl4 है। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, तत्व प्रतीक सूत्र है Na और NO3। सोडियम और नाइट्रेट आवेश 1, नाइट्रेट पे 1 है और सोडियम पे 1 माइनस है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होगा NaNO3। इसके बाद है सोडियम सल्फेट का सूत्र, तत्व प्रतीक है NS4 जो कि अमोनियम सल्फेट है। अमोनिया का NS4 फॉर्मूला होता है, सल्फेट का SO4, आवेश है SO4 पे 1 प्लस, NH4 पे 2 माइनस, अतः अमोनियम सल्फेट का सूत्र NS4 ब्रैकेट 2 SO4 है। अब यहाँ पे है मोल संकल्पना क्या होती है, मोल कॉन्सेप्ट। रासायनिक गणनाएं अधिकांशतः परमाणुओं अणुओं इलेक्ट्रॉनों आदि की संख्या पर आधारित होती है तथा इन कणों के छोटे आकार के कारण अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में भी इनकी संख्या अत्यधिक होती है। अतः गणनाओं को सरल करने हेतु एक अन्य मात्रा की आवश्यकता अनुभव हुई जिसे मोल के नाम से जाना गया। मोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड ने किया था। वर्तमान में इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिससे उपस्थित कणों की संख्या C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर हो, पदार्थ का एक मोल कहलाती है। यहाँ कण से अभिप्राय परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि से है। प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया कि C12 के 12 ग्राम में 6.022 × 10^10 परमाणु Na अवोगाड्रो संख्या उपस्थित होते हैं। अर्थात सरल रूप में एक मोल पदार्थ परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन आदि की वह मात्रा है जिसमें उसकी 6.022 × 10^23 इकाइयां उपस्थित होती हैं। मोल को सामान्यतः N से प्रदर्शित किया जाता है। आइए मोल के अब यहाँ पे मोल के बारे में समझे। एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10^23 अंकण बराबर अवोगाड्रो संख्या Na। उदाहरण है यहाँ पे एक मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर 6.022 × 10^23 हाइड्रोजन परमाणु, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर 6.022 × 10^23 CO2 अणु, एक मोल क्लोरीन आयन बराबर 6.022 × 10^23 क्लोरीन आयन, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 × 10^23 इलेक्ट्रॉन,
एक मोल NaCl सोडियम क्लोराइड बराबर 6.022 गुणा के 10 की पावर 23 Na प्लस आयन बराबर 6.022 गुणा के 10 की पावर 23 Cl माइनस आयन। किसी पदार्थ के एक मोल से निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती हैं। यह किसी पदार्थ की 6.022 गुणा के 10 की पावर 23 इकाइयों को दर्शाता है। यह किसी तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। उदाहरण सोडियम का परमाणु भार 23 है, तथा 23 ग्राम सोडियम एक मोल के बराबर होता है। यह किसी अणु या आयनिक यौगिक के अणुभार या सूत्रभार के बराबर होता है। उदाहरण Na2CO3 का अणुभार 2 गुणा के 23 प्लस 12 गुणा 12 प्लस 3 गुणा के 16 बराबर 106 है। अतः 106 ग्राम Na2CO3 एक मोल Na2CO3 या 6.022 गुणा के 10 की पावर 23 Na2CO3 अणुओं को दर्शाता है। यह सामान्य ताप व दाब NTP पर किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन को दर्शाता है। पदार्थ के भार को मोल में दर्शाना, टू रिप्रेजेंट वेट इन मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तत्वों के लिए मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार M बटा दिया ग्राम परमाणु भार कैपिटल M। यौगिकों या अणुओं के लिए मोलों की संख्या N बराबर दिया गया भार M बटा ग्राम अणुभार कैपिटल M। कणों की संख्या को मोलों में मोल में दर्शाना, किसी भी परमाणु अणु आयन इत्यादि की संख्या मोल से निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। मोलों की संख्या n बराबर दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N अपॉन अवोगाड्रो संख्या N0। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए थे और ये चैप्टर के बारे में जानकारी दी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।